साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। शाह ने सत्य साई ग्राम में 400 बेड के अस्पताल के निर्माण का किया शिलान्यास, कहा वेदों और उपनिषदों में है हर समस्या का हल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, 7 वर्षों में हमने 596 मेडिकल कॉलेज बनाया, 80 करोड़ लोगों को दिया मुफ्त इलाज। शाह ने मुख्यमंत्री बसवराज जो बुम्बई के नेतृत्व वाली सरकार को कोरोना के तीनों लहरों से निपटने और राज्य के लोगों को टीकाकरण प्रदान करने के लिए बधाई दी। सीजीआई रमना बोले, एक छतरी के नीचे काम करे सभी जांच एजेंसियां, सीबीआई निदेशक की तर्ज पर हो नई एजेंसी के प्रमुख का चयन। सीजीआई रमन ने लॉन्च किया फास्ट अदालत के आदेशों को तेजी से पहुंचाएगा। सीबीआई को चीफ जस्टिस रमना की दो टूक बोले, अपने लोगों का भरोसा खोया, राजनेताओं से गठजोड़ तोड़ो तभी लौटेगा साथ। प्रवासी भारतीयों के हितों की हिफाजत करेगी सरकार, 1983 के इमिग्रेशन कानून की जगह नया इमिग्रेशन कानून लाने की तैयारी। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी ने मचाया कहर, आईएमजी ने अगले 5 दिन तेज लू चलने का अलर्ट किया जारी। सरोजी नगर विधायक राजेश्वर सिंह, दो विद्यालयों को लेंगे गोद, लोगों से मांगा सुझाव। पीएम मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात, यूक्रेन की स्थिति पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में जमानत के खिलाफ याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब, कहा ऑनर किलिंग को हल्के में नहीं ले सकते। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई को मिली अनिल देशमुख और सचिव वाजे की हिरासत, पूछताछ के लिए लाए जा सकते हैं मुंबई से दिल्ली। भारत में गूगल ने फरवरी के दौरान विभिन्न प्लेटफॉर्मों से फुल 93,066 खराब कंटेंट को हटाया, मासिक रिपोर्ट में दी जानकारी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गुड़ी पड़वा की भी धूम, पीएम से लेकर सीएम तक ने दी बधाई। कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने से मंडराने लगा बिजली संकट, उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही है कटौती। अलीगढ़ में परीक्षा पर चर्चा की लाइव स्ट्रीमिंग, छात्र छात्राओं ने पीएम मोदी की बात सुनी। बिजनौर में पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम एसपी। एटा में अवैध अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, डीएम के निर्देश में हटाया गया अतिक्रमण। फिरोजाबाद में सीएम योगी का बड़ा निर्देश, एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ सक्रिय। फिरोजाबाद
फैजाबाद में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री का आगमन, संजय सिंह गंगवार का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीतापुर में लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन, न्यायाधीश कुलदीप कुमार दित्ते ने किया शुभारंभ। गाजीपुर में प्रत्येक गांव से धौना पहुंचे दयाशंकर मिश्र, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश में एक दिन की राहत के बाद फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सीएम योगी आदित्यनाथ को फर्रुखाबाद के सांसद ने भेजा पत्र, जिले का नाम बदलने की मांग। पुलिस मुठभेड़ में दो हत्यारोपी गिरफ्तार, युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या। दिन बाद बनेगा सभी मंत्रियों का पहला रिपोर्ट कार्ड, सीएम योगी खुद करेंगे समीक्षा। मुजफ्फरनगर में देर रात आग का गोला बनी बीएमडब्ल्यू कार, सवारों ने कूदकर बचाई जान। मेरठ में याकूब कुरैशी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस, अवैध तरीके से कमाई संपत्ति होगी जब्त। कानपुर में फिर बैंक के लॉकर से 20 लाख के गहने गायब, एक ही शाखा है शातर का निशाना। बिजनौर में बर्थडे पार्टी के दौरान दो पक्षों में फायरिंग, गोली लगने से 10 साल के बच्चे की मौत। सेंट्रल बैंक के दो लॉकरों से जेवर चोरी के बाद उलझी पुलिस, अब लॉकर बनाने वाली कंपनी से होगी पूछताछ। जौनपुर में देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, शीतला चौकिया धाम में उमड़ा आस्था का सागर। भाजपा के पास विधान परिषद में बहुमत पाने का मौका, सीएम योगी आदित्यनाथ की ग्राम प्रधान तथा वार्ड सदस्यों से वार्ता। महंगाई को लेकर बोले अखिलेश यादव, भाजपा राज में जनता को रौंद रहा बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में जल्द सजा दिलाने की मुहिम चलाएगी पुलिस। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व, फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आया उछाल। बरेली में रुहेलखंड डिपो की जनरत बसों से चोरी हुई, एलईडी टीवी तलाशने में जुटे अधिकारी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन अलीगढ़ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, इगलास में गजब का उत्साह। मऊ में गैंगस्टर संजय सागर को जबरदस्ती भर्ती कराने का मामला, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 10 अप्रैल से महिला सुरक्षा का विशेष अभियान, बीट स्तर पर तैनात होगी कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश पुलिस में 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित पदों पर शीघ्र होगी भर्ती, शासन ने दी हरी झंडी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की दो टूक, डॉक्टर समय पर पहुंचे अस्पताल, बाहर की दवा लिखी तो नपेंगे। सिंदूर का स्वास्तिक घर से दूर रखेगा, नकारात्मक शक्तियां पूजा के लिए श्रेष्ठ है ईशान कोण। यूपी के नगर विकास मंत्री ने अफसरों को दिए निर्देश, सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए बनाए कंट्रोल रूम। अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष समेत 3 पदों पर एक साथ होगा निर्णय, लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस हाईकमान की नजर। उत्तराखंड में नौकरशाही के जल्द पत्ते फेटेंगे धामी सरकार, इस सिलसिले में चल रहा होमवर्क। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने देहरादून के भोपाल पानी में किया भोजन, फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड। नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड को मिलेगी 409 करोड़ की सौगात, सरकार के प्रस्ताव पर एनएमजीसी में चल रहा निरीक्षण। हल्द्वानी में हमलावर बाघ आदमखोर घोषित, डब्ल्यूआईआई की एक्सपोर्ट टीम पहुंची। उत्तराखंड के पहले सीएम जिन्होंने मां पूर्णागिरी के दरबार में लगाई हाजिरी। उपकुल सचिव पद पर भर्ती निरस्त, अब होगी पदोन्नति, शासन ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर बदला फैसला। उत्तराखंड पेयजल निगम के पेंशन ने किया आंदोलन का ऐलान, एसोसिएशन ने प्रतिबंध को दिया नोटिस। डॉक्टर निधि उनियाल के साथ अभद्रता पर अस्पताल के चिकित्सकों में आक्रोश, नहीं जाएंगे अफसरों के घर। कृषि मंत्री बोले 100 दिन में परिणाम दे कृषि और उद्यान के अधिकारी, सहन नहीं की जाएगी हिलाहवाली। शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए नवरात्र, फूलों और लाइटों से सजे मंदिर। हिंदू नववर्ष पर देहरादून में होंगे धार्मिक आयोजन, पूर्व संध्या पर किए भजन कीर्तन। निकायों की आय के स्रोत बढ़ोतरी में सहयोग करेगी सरकार, विभागीय समीक्षा में बोले शहर विकास मंत्री। अमिताभ बच्चन ने नीली कार में की देहरादून की सड़क पर सवारी, पुलिस ने रुकवाया ट्रैफिक तो नाराज हुए लोग। केबल संचालक के उपभोक्ता को देनी होगी क्षतिपूर्ति, कनेक्शन बंद रहने की अवधि का कोई शुल्क न वसूलने के आदेश। बाइडेन प्रशासन में चमक रहे भारतीय सितारे, भारतीय मूल का कल्पना और विनय को मिली बड़ी जिम्मेदारी।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो, कहा रूस सेना में क्रीमिया के लोगों को भर्ती करने की कर रहा है कोशिश। पाकिस्तान के गृह मंत्री बोले इमरान के खिलाफ जमा हो गए हैं कुछ लुटेरे, हम नहीं छोड़ेंगे पीएम का साथ। आर्थिक संकट में जूझती इमरान सरकार, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भंडार में 2.915 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी कमी। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के साथ मिली भगत के आरोपों को नकारा, कहा विदेशी साजिश को लेकर इमरान ने गढ़ी कहानी। यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जल्द दौरा करेंगे आईएए प्रमुख, यूक्रेन के रेडिएशन का जताया था खतरा। बिलावल भुट्टो के इमरान खान को सलाह, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इस्तीफा देकर सम्मानजनक विदाई। गैस के लिए रूबल में भुगतान का यूरोपीय सरकारों और कंपनियों के बीच मंथन, रूस ने कहा धीरे धीरे कम करेंगे गैस की आपूर्ति। इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद जल्द चुनाव कराने का दिया सुझाव, कहा विपक्ष सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश में शामिल। कीव और चार्निहिव में रूसी सैनिक वापसी, लेकिन लड़ाई जारी, तेल का गोदाम उड़ाए जाने के बाद रूस ने मारियोपोल जा रही सहायता रोकी। स्टार्टअप कंपनियों ने पहली तिमाही में जुटाए करीब 90,000 करोड़ रुपए। जीएसटी कलेक्शन ने मार्च में छुआ अब तक का सर्वोच्च स्तर, 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा कलेक्शन। वित्त वर्ष से पहले दिन शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स ने छुआ 59 का आंकड़ा। पीएनबी ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठाने के लिए डाउनलोड करें पीएनबी वन ऐप, मिलेंगे कई फायदे। जबरदस्त डिमांड के चलते भारत में पेट्रोल डीजल के सेल्स कोरोना महामारी के पहले से स्तर को पार। कैफिन टेक्नोलॉजी की आईपीओ के जरिए 24,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी, सेबी के पास दाखिल किया ड्राफ्ट पेपर। मार्च में जीएसटी से सरकार को छप्पड़ फाड़, कमाई रिकॉर्ड, 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा टैक्स कलेक्शन। असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए इनकम टैक्स विभाग के नोटिफाई किया आईटीआर फॉर्म। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में करें निवेश, बेहतर रिटर्न के साथ मिलेगा टैक्स छूट का लाभ। मार्च में मारुति सुजुकी की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी, 1,70,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। दिल्ली के खिलाफ मैच में हो सकती है गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11, हार्दिक की गेंदबाजी पर रहेगी नजर। पॉइंट्स टेबल में कोलकाता टॉप पर, ऑरेंज और पर्पल कैप पर केकेआर के खिलाड़ियों का कब्जा।
137 रनों पर सिमटी पंजाब किंग्स, उमेश यादव ने झटके 4 विकेट। शाहरुख खान की क्रिकेट टीम को चीयर करने स्टेडियम पहुंची सुहाना खान, येलो ड्रेस में दिखा खूबसूरत अंदाज। खुद को स्पिन फास्ट बॉलर मानते हैं राशिद खान, तेज रफ्तार से करते हैं गेंदबाजी। रसेल ने 8 छक्के से खेली तूफानी 70 रन की पारी, बदल दिया मैच का नक्शा। कोलकाता ने पंजाब को 6 विकेट से हराया, आंद्रे रसेल का तूफानी अर्धशतक। अंजिक रहाड़े ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आईपीएल में, उनसे कम परियों में बना डाले 400 रन। स्टेडियम में दर्शकों की संख्या होगी डबल, 50% क्षमता को मिली इजाजत। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट विकेट कीपर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, चोट के कारण कुछ महीनों से छोड़ा मैदान के बाहर। तुक्सी से लेकर फैशन तक में शहनाज गिल है अव्वल नंबर, अपने बबली अंदाज से लोगों के दिलों पर करती है राज। द कपिल शर्मा शो छोड़ने की खबरों पर सुमोना चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच। ऑस्कर अवार्ड में थप्पड़ कांड के बाद विल स्मिथ ने एकेडमी से दिया इस्तीफा, क्रिस रॉक से फिर मांगी माफी। मार्वल के अनोखे सुपर हीरो की कहानी, ऑस्कर की दमदार अदाकारी। पुलिस अधिकारी के दुर्व्यवहार से परेशान सिद्धांत गुप्ता ने उठाया ये कदम, सस्पेंस से भरपूर ऑपरेशन रोमियो ट्रेलर हुआ रिलीज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 200 में से चुने सिर्फ 5 स्क्रिप्ट, फिल्म में काम करने से पहले रखते हैं कई शर्त। संघर्ष के दिनों में पीसीओ में काम करते थे कपिल शर्मा, आज है करोड़ों की संपत्ति के मालिक। आर्यन खान ने ड्रग्स मामले में गवाह प्रभाकर सेल की मौत, समीर वानखेड़े पर लगाए गए थे गंभीर आरोप। सुपर सोल्जर के अवतार में खूब जमे जॉन अब्राहम, फैंस के दिलों पर किया अटैक। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सफलता से बेहद खुश है अनुपम खेर, पर इंडस्ट्री के लोगों से जकी शिकायत। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।